नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको गर्दन दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए लाभकारी योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों लगातार एक जगह पर बैठे रहने के कारण, अच्छी निद्रा न ले पाने के कारण, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेच होने के कारण जब हमारे पीठ दर्द, कमर दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो आप इन योग अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों गर्दन दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे, आपने ऐसे पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर बैठकर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए अपने दोनों हथेलियों को ऐसे आगे कर लेना है, मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। इसके बाद आपने अपनी कलाई को ऐसे गोल गोल घुमाना है, ऐसे गोल गोल इसे आप 10-10 बार घुमाइए। फिर इसे आप ऐसे गाइस घुमाएंगे। फिर इसके बाद हम दूसरा अभ्यास करेंगे, आप अपने दोनों हथेलियों को अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने ऐसे इसको गोल गोल घुमाना है, अपनी कोहनियों को ऐसे घुमाना है। अब एक राउंड बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही पहले आप इसे 8-10 बार कीजिए, फिर इसके बाद इसे आप घुमाएंगे। इन सूक्ष्म योग अभ्यासों को करने से गर्दन दर्द, पीठ दर्द की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके बाद आप अपने दोनों हथेलियों को ऐसे नीचे को कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ले जाते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं, अपने सिर के पीछे से अपने हाथों को ऐसे खींचें, श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को खींचें, श्वास भरते हुए सेंटर में आए। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी तरफ से कीजिए। ऐसे ही आप इसे 8-10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से कंधों में जकड़न अकड़न की समस्या दूर होती है। पीठ दर्द को दूर करने के लिए यह सूक्ष्म योग अभ्यासों का बहुत ही अधिक प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से ऐसे लगाना है और अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। ऐसे ही फिर इसे आगे की तरफ ऐसे कीजिए, अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर दबाव डालिए। जब आपके सिर में दर्द, कंधों में जकड़न अकड़न की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप अपने राइट हाथ को ऐसे अपने कनपट्टी पर रख लीजिए और अपने सिर से हाथों की ओर और हाथ से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8-10 बार प्रैक्टिस कीजिए। जब हमारी गर्दन में झटका सा लग जाता है तो गर्दन में जो दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है इस अभ्यास को करने से वह दूर होती है। फिर इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से रख लेते हैं और सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालिए। इसे हमारी गर्दन की मांसपेशियों पर बहुत ही अधिक प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हथेलियों को अपने कंधों के पास ऐसे रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को आगे लाते हैं, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ लाना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही आप इसे 8-10 बार प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम पेट के बल लेटकर नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, मकरासन। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मकरासन। इसे करने के लिए हम ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। इसके बाद आप अपने दोनों हथेलियों को ऐसे एक स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी ठोंडी को इसमें रख लेते हैं। मकरासन यह एक बहुत ही सरल और सहज आसन है और इसे करने से कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस, स्लिप डिस्क जैसी समस्त समस्याएं दूर होती हैं। इसके बाद आप अपने राइट पैर को उठाकर ऐसे अपने हिप्स को छूने की कोशिश कीजिए।
श्वास भरते हुए अपने पैर को उठाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर इसी अभ्यास को दूसरे पैर से कीजिए। श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाते हैं, हिप्स को छूने की कोशिश करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस मकरासन को आप पहले एक एक पैर से ऐसे ही 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए अपने पैर को उठाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं, अपने हिप्स को छूने की कोशिश करते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह एक बहुत ही आरामदायक आसन है और जो लोग कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल से पीड़ित रहते हैं उनके लिए यह मकरासन बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। एक आरामदायक अवधि के लिए 10 से 15 बार आप इस मकरासन को लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आप अपने दोनों हथेलियों को ऐसे जमीन पर रख लेते हैं और रिलैक्स करते हैं।